दोस्तों हम उस गली में आ गए हैं जहाँ से ये रास्ता जाता है रामानुजन कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ। और आप देख सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, छोटा सा इलाका है। और ये रोड भी कोई काफ़ी चौड़ा नहीं है, ये वन वे है। और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर दोस्तों वो रामानुजन कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स है। बस हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। और आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि ये सब छोटी छोटी दुकानें हैं। पीछे वाले कैमरा से दिखाता हूँ। ये दोस्तों रामानुजन क्लासेस। और आप देख सकते हैं अभी अंदर चलेंगे, देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों ये क्लासेज है सुपर 30 का, आनंद सर का। आनंद सर अभी पढ़ा रहे हैं, मैंने पूछा तो मैम बोली कि 2 घंटे बाद आएंगे। और देखिए ये पोस्टर लगे हुए हैं सुपर 30 के, देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि उस लड़के ने कहा कि मतलब ये वो रामानुजन क्लासेज जहाँ पर बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होता है, लेकिन वो जो सुपर 30 वाले बच्चे हैं वो सर के घर के पास में ही वो रहते हैं। और सर मतलब पर्सनली उन लोगों को टाइम टेबल देते हैं पढ़ने का, जो भी है वो पर्सनली केयर करते हैं उन लड़कों का। और जैसे कि एडमिशन सबका हो जाता है, सब मतलब यही रामानुजन क्लासेस कोई खास नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं आप एक हराकट है, अभी भी वैसे ही सेम, इसका कोई भी डेकोरेशन चेंज नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड है, ये क्लासेस देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्लासेज है दोस्तों। अभी एडमिशन मैंने पूछा तो बोले कि मार्च में होता है, 1 मार्च में एग्जामिनेशन होता है। तो यार यहाँ तक आया बहुत बड़ी बात है यार, मतलब ये वो ब्रेंच है, मतलब मैं सर यहाँ पढ़ाते थे खड़े होकर, यार बहुत बड़ी बात है। ये सर की हैंड राइटिंग देख लीजिए, ये सर की हैंड राइटिंग भाई, क्या क्या लिखे हैं सर। दोस्तों हम एक स्टूडेंट से मिलने जा रहे हैं अभी, और उनसे पूछते हैं कि मतलब आनंद सर पढ़ाते कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है स्टूडेंट के प्रति। और आइए उनसे पूछते हैं, हमारे सामने ही है। आपका नाम? नितिन कुमार राय। क्या? नितिन कुमार राय। तो विपिन भाई कब एडमिशन लिए थे आप? हम लिए थे मार्च में, लिए थे एडमिशन मार्च में, ये वाले पिछले साल मार्च में। किस क्लास में लिए थे आप? 11th क्लास में। 11th? तो मतलब अभी आप अब कितना महीना हो गया आपको, मतलब साल भर होने वाला है? हाँ साल भर होने वाला, 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीना बचा हुआ है, तो इसी क्लास का मतलब दोबारा से तैयारी करवाते हैं? हाँ मतलब जो पढ़ाएँ साल भर फिर एक बार और यानी पढ़ाते टारगेट के लिए। तो इतना अच्छा आनंद से पढ़ाते हैं ना, जो यानी इतना अच्छा लेवल का क्वेश्चन बताते हैं, जो अच्छा अच्छा छोटा छोटा क्वेश्चन फिर बन जाता है, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बना देते हैं। उनका बिहेवियर कैसा है ये बताइए स्टूडेंट के प्रति? इतना अच्छा उनका बिहेवियर है ना, जो ना किसी को कुछ बोलते हैं आनंद से, इतना अच्छा अच्छा बात बोलते हैं, जो आनंद सर किसी को कुछ कहते हैं सर स्टूडेंट से अच्छा बिहेवियर रखते हैं। तो इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है? हाँ। ये वाले रामानुजन क्लासेज में। हाँ पहले टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट में जैसे निकलता है एडमिशन ले सकता है। कितना मतलब कितना परसेंट तक वो नंबर लाना पड़ता है? वो लाएगा 60-70 से ज़्यादा, 60-70 से ज़्यादा लाना पड़ता है।
कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का, 120 नंबर का। 120 नंबर मतलब 50% से ज़्यादा मार्क होना चाहिए। 50% या 50% ज़्यादा। और मतलब हर लेवल का 10 जो बच्चा 9 में है उसका भी ले रहे हैं क्या एडमिशन? नहीं, 9th क्लास से नहीं ले रहे। मतलब 11 से है? 11 से। अरे कोटा वाले तो 9 से, अब तो मैं देख रहा हूँ 6वीं से भी ले रहे हैं। मतलब बंदे का पैदा होते ही सारा सीधा टारगेट होना चाहिए आईआईटी में। नहीं तो यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो 11 से ले रहे हैं। हम तो 11 से, हम बहुत सबको 11 से ही करते हैं। फीस बड़ा कम था यार, 38,000 कुछ देख रहा था मैं। मतलब रियल है या वैसे टांग रखे? नहीं रियल है। और मतलब वो बोला था जब ऋतिक रोशन आया था तो आप कहाँ थे उस समय? हम ऋतिक रोशन आए थे उस टाइम, हम यहाँ पर नहीं थे, घर चले गए थे, तबीयत खराब हो गई तो बुखार लगे था। पूरा भीड़ लगा होगा इधर? हाँ पूरा पूरा भीड़ लगा था। पूरा कार और यहाँ मतलब खड़ा होगा जो ऑडी ऑडी भी अंदर में पूरा। तो अभी मतलब सर पढ़ा रहे हैं अंदर ना? हाँ क्लास ले रहे हैं, अब निकलेंगे कुछ देर में, उसके बाद फिर से क्लास लेंगे 5 बजे तक, 5-10 तक। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि पता है आपको कोटा में मतलब बताते हैं लोग कि 50% बच्चे बिहार से जाते हैं हाँ तैयारी करने के लिए, तो मतलब यहाँ क्या दिक्कत है? मतलब यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ तो इतना अच्छा अच्छा लेवल क्वेश्चन बता देते हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट में बता नहीं पाते हैं, तो इसी कारण से मतलब वहाँ पर मेरे हिसाब से मैं ये नहीं जानता, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताते तो लोग यहीं आते ना, हो सकता है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हो यहाँ इसके टेस्ट में। करते कैसे नहीं है, जैसे टेस्ट में निकाल नहीं पाते होंगे तो हाँ पहले से आनंद सर गोली भी चली हुई थी जिसके कारण आनंद से झेलते झेलते अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। तब यार मतलब बहुत सही बनता है, मतलब सोचो अभी भी पढ़ा ही रहा है, मतलब मेरे को बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि इतना बड़ा आदमी और टीचर रख लेगा यार वो भी, लेकिन उनको भरोसा होगा कि मैं अभी पढ़ाऊंगा क्योंकि पढ़ाते समय से ही बने हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते ही आज इतना बड़ा आगे बने हैं तो छोड़ नहीं सकते अपना पैसा।